सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड के साथ होने वाले पाकिस्तान के मैच की, और उसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान की कौमी टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो मैं इमरान से जानने की कोशिश करूंगा कि इनको क्या लगता है कि कल कौमी टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी और बैटिंग ऑर्डर हमारा किस तरह होगा। बैटिंग में हमारे वही जो स्ट्राइकर जो मेन दो इमाम और फखर जमान, उसके बाद बाबर रिजवान, लेकिन मिडल ऑर्डर का हमारा बैट्समैन का थोड़ा सा है कि हमें कल चाहिए कि हम स्पिनर खिलाएं। आपके ख्याल में स्पिनर ज़्यादा, क्योंकि आज हमने इंग्लैंड का मैच देखा, उसमें तो देखा कि हमने बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ना स्विंग हुई ना कोई ऐसी बात। हाँ, अगर स्पिनर कामयाब रहे वहाँ पर तो उसमें से ये है कि अगर साउथ शकील अगर हमारे पास खेलते हैं तो वो प्रॉपर एक बैट्समैन है, उनको खिलाते हैं तो फिर हमारे पास जो स्पिनर का कॉम्बिनेशन है ना, वो उसामा मीर या क्या सलमान अली आगा, उनको देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास नवाज़ हैं, शदाब हैं, और फास्ट बॉलिंग में तो हमारे वो तीन बॉलर हसन, रऊफ और शाहीन। ठीक हो गया। अच्छा फ्रांत, हमें क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है, एक तो इन्होंने बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बता दिया, पहले तो जाहिर है इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के पिचे जो हैं वो बैटिंग पिच हैं और वो बल्लेबाजों को फ़ायदा देती हैं, और दूसरे एंड पे वो स्पिनर्स को भी फ़ायदा देती हैं। आपने कल के प्रोग्राम में भी ये बात हो रही थी, आपने कहा था कि बॉलर वो कामयाब होगा जो दोनों तरह की बॉलिंग कर सकेगा। नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी क्या चाहिए? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 की। जी बिल्कुल। उसमें अगर हम टॉप ऑर्डर जिस तरह इमरान ने बताया कि फखर जमान और इमाम उलक को ओपनिंग करनी चाहिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन एक और भी है। अच्छा। इसकी इमाम उलक की जगह अब्दुल शफीक को हम ओपनिंग करा सकते हैं। अच्छा। और उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, एक हमारे पास ये एडिशनल ऑप्शन है ओपनिंग बैटिंग में। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील जो है वो अगर रिप्लेसमेंट तब होती है अगर आगर अली सुमान को बाहर करते हैं। अच्छा। तब वो साउथ शकील आते हैं तब, क्योंकि नवाज भी आप एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं, फिर उसके बाद शताब खान भी आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर में चार ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से हमने तीन खिलानी है, जिसमें से मोहम्मद वसीम जूनियर बैठेंगे। अच्छा। अगर वो बैठते हैं तो हसन अली, शहनशाह अफरीदी और फिर उसके बाद हारिस रूफ खेलेंगे। ये तो हमारी बैटिंग ऑर्डर इस तरह बनता है और प्लेइंग 11 हमारी ये बनती है अगर देखा जाए तो। अब उसके बाद बात करते हैं अगर कि कल की पिच, आज के जैसे मैच चल रहा है और वो जिस तरह कल की पिच होगी उसमें हमारे जो स्पिनर है ना, अगर मोहम्मद नवाज, शदाब खान, और अगर जब तक ये परफॉर्म नहीं करेंगे ना हमारी बॉलिंग एंड में, तब तक पाकिस्तान चाहे 350 स्कोर भी कर ले या 400 भी कर ले, वो कभी भी वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती दूसरी टीम को, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर तो वैसे ही आगे स्ट्रगल कर रहे हैं, पर स्पिनर उससे ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम, और इसलिए पाकिस्तान का कम्बिनेशन तब भी अच्छा होगा कि हर बंदे को परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो एक एक विकेट लें, चाहे वो अपने एक विकेट ना लेके स्कोर कम करें। यानी पाकिस्तान बाबर आजम की सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर टॉस जीतते हैं तो वो पहले बैटिंग करनी चाहिए, अगर क्योंकि हालांकि चेज करने का रिकॉर्ड भी हमारा बेहतर हो गया है पहले पिछली कुछ गेम्स के बाद, पर जिस तरह की पिचेज हैं अगर आप बड़ा टारगेट दे देते हैं ना, माइंडसेट बना लेते हैं, बॉलर के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, उसमें फिर उनको ये पता लगेगा कि हमने अपने फास्ट बॉलर को अगर शुरू में नजारा मारना पड़ी तो स्पिनर को इस्तेमाल अपने उस हिसाब से करें। फिर मुझे ये बताइएगा कि क्या नीदरलैंड को, जाहिर है बहुत मजबूत टीम नहीं कहा जा सकता, तो क्या बाबर आजम के पास ये ऑप्शन है कि वो इस पहले मैच में कोई तजुर्बा कर सके खिलाड़ियों के एतबार से? सर नहीं, मेरा ख्याल से अब वामा भी दो मैच आपने खेल लिए हैं, उसमें बड़े तजुर्बे आपने कर लिए हैं, अब वो बेशक आप हार गए हैं, अब उसको भी अपने साइड से निकाल के ना, जहन से निकाल के ना आपको आगे बढ़ना है, मैच से ही आपने अपनी 11 टीम रखनी है अपनी। हाँ, इन केस आपको जो पहले एक मैच या दो मैच में देखेंगे, नीदरलैंड टीम बेशक हल्की टीम जरूर समझते हैं हम, अगर यहाँ पर हम मैच जीतते हैं बड़े स्ट्राइक रेट से जीतते हैं, कल को अगर हम कोई बड़ा मैच आगे मैच हारते हैं किसी बुरी तरह, तो वो रिकवर होने के चांसेस होंगे, क्योंकि रन रेट का अगर आप बात करें ना इस पूरे टूर्नामेंट में कमजोर टीमों के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और एशिया कप में हमारे साथ क्या हुआ था कि श्रीलंका के साथ एक टाइम पे अगर बारिश हो जाती तो हम इंडिया से जो बुरी तरह हारे थे रन रेट पे, वो हम बाहर वैसी भी बारिश है, वो तो बेशक हम हार गए बाद में, वो मैच हो गया, यानी हमने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि हमने रन रेट भी देखना है, और आपने हल्की टीम समझ के ये नहीं करना कि लो जी आप जिसको मर्जी खिला लें या बहुत इजीली करके मैच ले जाएं, आप एटलीस्ट आपको परफॉर्म करना है जिस तरह आपकी प्लेइंग 11 लेके चलनी है, जैसे बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि जाहिर है
इस दफा सिर्फ 10 टीमें हैं और कमजोर टीमों की तादाद यकीनन कम होगी। अब तो बांग्लादेश को भी कमजोर नहीं कहा जा सकता, वो अच्छा आपको मुकाबला देती है और बल्कि आप तो उससे शिकस्त से भी दो चार हो जाते हैं खुशी खुशी। मुझे ये बताइएगा कि नीदरलैंड से किसी मोर्चे की तोपो की जा सकती है? सर डेफिनेटली उनसे की जा सकती है क्योंकि वो वेस्ट इंडीज को हरा के आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं वो, और अच्छी टीम है वो, कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता, इजी ना ले उसको। इसी जगह पे कोट करें ना, अगर T20 का वर्ल्ड कप याद हो आपको, शायद पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, साउथ अफ्रीका T20 मैच में वर्ल्ड कप में वो हारा था, बुरी तरह हारा था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया। यानी अपसेट कभी भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है क्रिकेट, वैसे भी चांस का खेल है, इसमें कोई भी टीम। वैसे भी सर मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम को ना एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, वो इसलिए कि इनके दिमाग को जो ना काम रखने की जरूरत है हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में, क्योंकि जितनी तरबियत वाकई ज़रूरत है इन लोगों को। आप लोग इसको शायद मजाक भी लें लेकिन इनको वाकई साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में आके जब कोलैप्स कर जाते हैं या एकदम से दबाव पड़ता है तो सारी टीम ही एक ही, बिल्कुल ऐसा ही है इनको। लेकिन वैसे तो मेरा ख्याल है हम एग्री करेंगे कि पूरी कॉम को एक क्योंकि हम ज़हनी तौर पे अचानक ही बहुत हाइपर हो जाते हैं और जरा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते, और टीमों में होते हैं साइकेट्रिस्ट होते हैं, यकीनन होंगे एक्चुअली, तो उस उनको हर तरह के माहौल में हर तरह की सिचुएशन में खेलने की बुनियादी तरबियत तो आपके अपने अपने स्टेशन पर ही मिलती है, आपके कोचिज और आपके ट्रेनर्स ही देते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच की बात करें तो, और जैसे आप दोनों ने बताया कि एक अच्छे मैच की तवक्को की जा सकती है, अपसेट हो सकता है, अपसेट भी हो सकता है अगर पाकिस्तान ने इस मैच को ईजी लिया, लेकिन हम जाहिर है क्रिकेट को जब मैदान लग गया है तो उसको एक जंग की तरह ही खेलना चाहिए, की बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि अपसेट हो सकता है? सर अपसेट होने के चांस जरूर हैं, पर यह है कि अगर वैसे बात की जाए पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नीदरलैंड को काबू कर सकती है, पर क्रिकेट बाय चांस है, ये बात तो हकीकत है, इस पे कोई दो राय नहीं है। सर नहीं, इनको टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए ताकि 300-350 का उनको अच्छा टारगेट दे ताकि दबाव में रहें वो। और सबसे बड़ा उनके लिए एक मसला पता क्या है, अब ये होगा कि टूर्नामेंट का पहला मैच है और पहला मैच पे जो आगे पिछली परफॉर्मेंस के बाद पहले मैच में परफॉर्मेंस उनको 100% अच्छी दिखानी पड़ेगी, जिसको उनकी मेंटली तौर पे इस टाइम बैठी हुई है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है, लाजमी बात है। दूसरा, अच्छा बाबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसके स्ट्रेटजी की भी तारीफ होती है, उसके खेल की भी तारीफ होती है, उसे एक अच्छा मुस्तनद कप्तान माना जाता है। तो ये जो मौजूदा वर्ल्ड कप है ये ना सिर्फ टीम के लिए बल्कि बाबर की कप्तानी के हवाले से भी एक बहुत अहम है, टास्क है, बड़ा टास्क है और आम भी है। और जिस तरह हमारे यहाँ चीज़ों को बाज़ात आप जस्टिफाई नहीं कर सकते लेकिन हमारे यहाँ वजातें गैर ज़रूरी शुरू हो जाती हैं, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म नहीं करती, ये मेरा दोनों आप दोनों से सवाल है, तो उसकी वजह एक तो हमारी टीम का मॉरली डाउन होना पहले से ही है, या हमारी जो पिछली शिकस्तें हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं? पिछली शिकस्तें असरअंदाज तो लाजमी हैं, उसकी अच्छा। बात तो है, उसके अलावा पर जितना कॉन्फिडेंट मैंने बाबर आजम को अपनी वो ग्राउंड में जाने से पहले यानी इंटरव्यू दिया था ना, बॉडी वो ये कहता है कि मैंने जो अपनी टीम सेलेक्ट की है मुझे पता है मैंने उसे कैसे लेकर डिलीवर करना है। अब वो बेशक वार्म अप मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सका, अब ये मेगा इवेंट जब शुरू होगा कल पहला पाकिस्तान जब मैच खेलेगा उसमें अगर उसी कॉन्फिडेंट लेवल की तरह वो नीचे हमारी टीम उतरती है पाकिस्तान की, फिर तो वो आगे कर सकते हैं। अगर वो हारते हैं, अगर वो दोबारा वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, कंडीशंस हैं, और फिर सबसे बड़ा ये है कि वहाँ के क्राउड का जो वहाँ पे प्रेशर होता है, खासतौर पे जो इंडिया के इस वक्त सियासी हालात हैं जहाँ पे वो जिस तरह हमारे मीडिया के लोगों को अभी तक वीज़े नहीं दिए गए और बहुत सारी वजूहत हैं, टीम को आखिर में वीज़ा जारी किया गया वो लास्ट मोमेंट पे पहुंची, तो वहाँ के हालात के लिए भी हमारे प्लेयर्स को तैयार होना पड़ेगा, खासतौर पर क्राउड के हवाले से। क्राउड आपके साथ जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा आपको वार्म वेलकम हुआ वहाँ पहुंचने, उन्होंने कवर किया, उन्होंने वो भी कवर करने की कोशिश की, उन्होंने वो अच्छा है वेलकम करके उन्होंने लोगों को दिखाया कि, और बार बार बाबर आजम का कल एक सवाल दोबारा साफी ने पूछा वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट ने, तो वो कहते हैं कि ना उसे कहते हैं कि आपको बिरयानी कैसी अच्छी लगी, बिरयानी कैसी लगी हमारी, तो बाबर आजम ने हंसते हुए कहा कि ये बात का जवाब मैं 100 दफा दे चुका हूँ, यानी अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, वो हॉस्पिटैलिटी का मामला, हाँ,
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कौमी टीम पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी और पूरी कौम के लिए ये मेगा इवेंट जो है खुशियों भरा होगा और पाकिस्तान की टीम ना सिर्फ अपने खेल के साथ बल्कि अपने रवैये के साथ और अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये साबित करेगी कि हम एक ऐसी टीम है जो किसी भी सूरत हाल में जीत सकती है। मैं इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त दूंगा कि नीदरलैंड और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हो और हमारी कौम के लिए खुशियों का बायस हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेगा।